पेरिस पैरालंपिक के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 मेडल अपने नाम किए। पैराशूटर अवनी लेखरा शुक्रवार को पेरिस पैरालंपिक गेम्स में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर लगातार 2 पैरालंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। जी हाँ, वही भारत की ही मोना अग्रवाल ने भी इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और भारत को दूसरा मेडल दिलाया। बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली 22 साल की अवनी ने 3 साल पहले बनाए गए अपने 249.6 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए शानदार 249.7 का स्कोर किया। 11 साल की उम्र में कार हादसे में कमर के नीचे के हिस्से में लकवा मारने की वजह से व्हीलचेयर के बगैर नहीं चलने वाली अवनी ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में निशानेबाजी में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बनी थी। वहीं 2022 में निशानेबाजी के खेल से जुड़ने वाली मोना ने भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए 228.7 का स्कोर किया। भारत के पैरालंपिक इतिहास में पहली बार 2 शूटर्स ने एक ही इवेंट में मेडल जीते। अवनी और मोना के अलावा भारत के मनीष नरवाल ने भी पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारतीय शूटर शिवा नरवाल के बड़े भाई मनीष ने 234.9 स्कोर किया। वहीं दक्षिण कोरिया के शूटर ने 237.4 स्कोर कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मेडल जीतने के बाद मनीष अपनी माँ से वीडियो कॉल के जरिए बात करते भी दिखे, जहाँ उन्हें अपनी माँ के साथ भावुक होता देखा गया। शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारत को ट्रैक फील्ड में भी ऐतिहासिक मेडल मिला, जहाँ शुक्रवार को ही प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 वर्ग की 100 मीटर स्पर्धा में 14.21 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय से ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को पैरालंपिक के ट्रैक स्पर्धा में पहला एथलेटिक्स मेडल दिलाया। अब देखा जाए तो भारतीय पैरा एथलीटों ने एक ही दिन में 4 मेडल जीतकर अपने बुलंद हौसलों और जबरदस्त मेहनत का शानदार प्रदर्शन किया है। आप भारत के इस प्रदर्शन पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।